हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माधवीज किचन। आपके यहाँ अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो आप क्या बनाते हैं? मैं तो बनाती हूँ ये डिलीशियस क्विक एंड इजी कोकोनट लड्डू। तो अचानक कभी हमारे यहाँ मेहमान आ जाते हैं तो मैं यही लड्डू बनाती हूँ, क्योंकि ये लड्डू 10 मिनट में आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इन लड्डुओं को बनाने के लिए ना हमें चाशनी बनानी है, ना हमें मावा बनाना है, ना बहुत सारी चीज़ें चाहिए। बहुत ही आसान से लड्डू हैं। तो आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो कोकोनट लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी मेल्ट हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दूध। दूध यहाँ पर कोई सा भी आप ले सकते हैं, अगर फुल फैट मिल्क लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को और दूध को हल्का सा गर्म होने देंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 कप अनस्वीटेंड मिल्क पाउडर। साथ ही इसमें ऐड कर देना है 1/2 कप चीनी। यहाँ पे चीनी का बूरा मैंने लिया है, आप चाहें तो नॉर्मल चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर आप यहाँ पे स्वीटेंड मिल्क पाउडर ले रहे हैं तो चीनी की मात्रा थोड़ी सी कम कर दें, क्योंकि स्वीटेंड मिल्क पाउडर में ऑलरेडी चीनी ऐड की हुई रहती है, या डेयरी वाइटनर जो होता है उसमें भी चीनी एडेड रहती है, इसलिए चीनी की मात्रा थोड़ी कम करनी होगी। इसको लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर पकाना है। ये देखिए मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है और चीनी भी मेल्ट हो गई है, इसलिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये थोड़ी सी पतली हो गई है इसकी कंसिस्टेंसी, और धीरे धीरे इसी तरीके से चलाते रहेंगे तो पहले इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली होगी, फिर धीरे धीरे ये मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो बस इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई कोकोनट पाउडर, या इसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं, या फिर इसे डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं। तो पहले मैंने 1 कप नारियल का बुरादा ऐड कर दिया है, इसको हम ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो 1 टेबलस्पून घी में इस नारियल के बुरादे को थोड़ा सा फ्राई करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्राई नहीं किया, इसको ऐसे ही ऐड कर दिया है और इसको लो फ्लेम पर चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए नारियल का बुरादा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम 1/2 कप और नारियल का बुरादा मिक्स करेंगे। तो ये देखिए 1/2 कप और नारियल का बुरादा मैंने ऐड कर दिया, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको लो फ्लेम पर पकाना है। अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और इसको लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। बस ध्यान रखना है कि इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो जो नारियल का बुरादा है बहुत जल्दी ब्राउन होने लग जाता है। साथ ही इसमें ऐड कर देना है हमें 2-3 ड्रॉप्स येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको कलर नहीं ऐड करना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और साथ ही ऐड कर दिया है मैंने 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर फ्लेवर के लिए। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। धीरे धीरे जो कलर हमने डाला था वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसको लो फ्लेम पर हमें 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। इस तरीके से क्या होगा, जो मिल्क पाउडर है उसके साथ नारियल अच्छे से पक जाएगा और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आएगी इसमें और बहुत बढ़िया लगेगा ये लड्डू। तो आप देख सकते हैं 1 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर इस मिक्सचर को पका लिया है और अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स भी हो गई है। और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी लड्डू बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये। अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें 1/4 कप दूध भी ऐड कर सकते हैं, या घर की मलाई जो होती है उसे आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये मिक्सचर परफेक्ट लग रहा है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो नारियल के लड्डू के मिक्सचर में अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे नारियल के लड्डू का मिक्सचर हो गया है तैयार। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े बर्तन में और इसको फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और झटपट से हम इसके लड्डू बना लें। ये ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है इस तरीके से, अगर हम बड़ी थाली में इसको फैला लेंगे ना तो ये बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो ये देखिए 5 मिनट में ये जो मिक्सचर है हल्का सा ठंडा हो गया है, तो अब हम इसके लड्डू बांध लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ऐसे हाथों में लेंगे और गोल लड्डू बना लेंगे। बड़ा या छोटा आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली लड्डू बना सकते हैं। इतने मिक्सचर से मीडियम साइज़ के 15 लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। एक एक करके इस मिक्सचर से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं और बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट लड्डू बनते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सा तरीका है और बहुत बढ़िया लड्डू बनकर तैयार होते हैं और इसमें फ़ेल होने का कोई चांसेस नहीं है। ये रेसिपी कभी फ़ेल नहीं होगी, इसको इस तरीके से बनाएंगे ना तो ये हमेशा ही परफेक्ट बनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो टोटल 15 लड्डू बनकर रेडी हैं। अब एक प्लेट में हम ले लेंगे थोड़ा सा नारियल का बुरादा और लड्डुओं को इससे कोट कर लेंगे। ये देखिए लड्डू को चारों तरफ से नारियल के बुरादे में कोट कर लेना है। तो
तो ये देखिए एकदम बाज़ार जैसा नारियल का लड्डू लग रहा है देखने में, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, आप देख सकते हैं एकदम बाज़ार वाले नारियल का लड्डू का लुक आ गया है। तो एक एक करके सारे लड्डुओं को नारियल के बुरादे से कोट करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारे टेस्टी सॉफ्ट डिलीशियस कोकोनट लड्डू तैयार हो गए हैं। तो है ना बहुत ही क्विक और आसान सी रेसिपी, तो जब भी आपको झटपट से कोई मिठाई बनाने का मन करे आप ये मिठाई बना सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत बढ़िया बनती है। तो आप देख सकते हैं मैंने लड्डुओं को पिस्ता के स्लाइसेस से डेकोरेट कर दिया है। तो आइए एक लड्डू को ट्राई करके देखते हैं कि हमारा लड्डू कैसा बना है। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट लड्डू है, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और ये देखिए एकदम सॉफ्ट है और अंदर से एकदम मॉइस्ट है। इन कोकोनट लड्डुओं को आप एयरटाइट कंटेनर में पैक करके फ्रिज में एक वीक तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखा ना दोस्तों आपने कि हमने बिना मावा बिना चाशनी के बहुत ही आसान तरीके से ये नारियल के लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, आप भी इसे ट्राई कीजिए, बहुत क्विक और इजी लड्डू है, और अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।